मिलावटी दूध एवं दूध से बनने वाली सामग्री के प्रति खाद्य विभाग सख्त हो गया है। खाद्य विभाग की टीम ने नगर में संचालित दुग्ध डेयरियों पर छापा मारकर सैंपल लिए। जानकारी के अनुसार देवास जिले में इन दिनों श्रीकांत पांडे के निर्देशन में खाद्य विभाग की ओर से नापतोल विभाग टीम संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए जिले में संचालित दुग्ध डेयरियों पर छापामार कार्यवाही कर रही है। सैंपल लिए, छापामार कार्यवाही करते हुए दूध और पनीर के सैंपल लिया और गंदगी पाई जाने की वजह से दुकानदारों को एवं डेयरी संचालकों को फटकार भी लगाई जा रही है। अचानक हुई कार्यवाही के कारण दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कुछ ही देर में दुकानदार दुकान को बंद कर भाग खड़े हुए। जाहिर है कि त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, जिसके लिए कुछ दुकानदार अभी से मेवा और खोया बचाकर और मिलावटी सामान बनाने में लगे हुए हैं, जिसकी शिकायत खाद्य विभाग को मिलती रहती है, जिसे देखते हुए लगातार दुकानों पर औचक निरीक्षण और सैंपल लिए जा रहे हैं। छापेमारी के दौरान दुकानदारों को हिदायत भी दी जा रही है कि अगर मिलावटी कुछ पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है, पर्व को देखते हुए कार्यवाही की। जिनके सैंपल लिए गए, सैंपलों को जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद इन दुकानदारों पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा भी खाद्य सामग्री वाली दुकानों पर आगे की कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।